दोस्तों, क्या आप रोजी रोजगार से परेशान है? क्या आप काम कारोबार से बहुत ज़्यादा परेशान है? आपकी शादी में अगर बंदिशें आ रही है तो क्या आप जानते हैं कि शर्फ़े शम्स में एक ऐसा लौह तैयार किया जाता है जिसको मोहरे सुलेमानी या लोहे शर्फ़े शम्स कहा जाता है, या फिर यूं कह लें कि करामाती अंगूठी या तिलिस्माती अंगूठी के बारे में आपने सुना होगा। आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि शर्फ़े शम्स में कौन कौन से नुकुश बनाए जाते हैं। अगर आप रोज़ी रोज़गार, काम कारोबार, उलूए मर्तबत और इन तमाम तरक्की और फुतुहात के लिए कोई नक्श चाहते हैं तो एक ऐसा पावरफुल नक्श के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदहू वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह आपकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाकर खुशहाली अता फरमाए। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शर्फ़े शम्स के बारे में। आज हम आपको जो बताने वाले हैं 8 अप्रैल 2023 के बारे में। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि शर्फ़े शम्स उसे कहा जाता है कि सूरज, जिसको हम शम्स भी कहते हैं, ये एक नय्यर-ए-आज़म सितारा है, सबसे बुलंद और रुतबा वाला सितारा है। ये जब दायरतुल बुरूज का दौरा करते हुए 19 डिग्री में यानी 19 दर्जे में हमल राशि या बुरूज कह लें, हमल बुरूज यानी पहली बुरूज में दाखिल होता है तो 19 दर्जे में इसको शर्फ का मर्तबा मिलता है, शर्फ के दर्जे में पहुंचता है। उसमें पावर जो है ज़मीन पर पड़ती है, और आमिलीन जो है, जफ़ार जो है, इल्मे जफ़र के जानने वाले माहिरीन जो है, उसमें ख़ास वक्त में कुछ नुकूश या अलवाह या अंगूठी वगैरह बना करके उससे फ़ायदा उठाते हैं। क्या आप जानते हैं कि बादशाह अकबर को उस दौर के हिसाब से जो आमिलीन थे, उलमाए जफ़ार जो थे, इल्मे जफ़र के जो माहिरीन थे, उन्होंने बादशाह अकबर को एक ऐसा लौह तैयार करके दिया था शर्फ़े शम्स का, जिस लौह के ज़रिए से अल्लाह ने उनको बहुत ज़्यादा फुतुहात अता फरमाया था। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपका भरोसा अल्लाह की ज़ात में, यकीन कामिल है आपका और आपका ईमान मजबूत है, अगर आप सिद्क़ दिल के साथ मैं जो लौह आपको बताने वाला हूँ अगर आप ख़ुद तैयार करते हैं या फिर यहाँ से तैयार करवाते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, इसका जो टाइमिंग शुरू हो रहा है अंग्रेज़ी 8 अप्रैल 2023 के सुबह के 7:50 से इसका टाइमिंग शुरू हो रहा है, और इसका अगले दिन जो है 9 अप्रैल 8:30 तक रहेगा। ये टाइम जो मैं बता रहा हूँ ये इंडिया के हिसाब से है। अगर आप कोई दूसरे कंट्री में रहते हैं तो आप उसी हिसाब से, जो हमारा कंट्री है, इंडिया के टाइम के हिसाब से अपना टाइम को माइनस या प्लस कर सकते हैं। तो उस टाइम पे जो आपको नक्श तैयार करने हैं, आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो नुकुश बनाए जाते हैं तो साते शम्स में तैयार किया जाएगा, है ना, याद रखें इस बात को। बहुत सारे आमिलीन क्या करते हैं कि भाई 8 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 9 अप्रैल को ख़त्म है, तो किसी भी टाइम पे नुकुश तैयार कर लेते हैं, उसमें मुअस्सर नहीं होगा। इसीलिए याद रखें कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपको साते शम्स का इंतखाब करना होगा, और जो अमल में तमाम शराइत है अलवाह बनाने के लिए या अंगूठी बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। उससे पहले मैं आपको नुकूश बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो हमारे यहाँ से ख़ास तौर से शर्फ़े शम्स में एहतमाम होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से अमलियात की तमाम शराइत व हिदायत के साथ उसे तैयार किए जाते हैं। नंबर वन, मैं आपको तिलसिमाती अंगूठी या करामाती अंगूठी के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा अंगूठी है कि अगर आप इसको बनवाते हैं, इसमें बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक वकील हैं या पब्लिक से आपका काम है, या रियल इस्टेट का बिजनेस है आपका, या आप किसी दुकान का मालिक है, या आप रोज़ी रोज़गार के लिए चाहते हैं, पढ़ाई के लिए चाहते हैं, तरक्की के लिए चाहते हैं,
आप मुलाजमत के लिए चाहते हैं, किसी भी मकसद के लिए हो, मैंने तो यहां तक देखे इसके फायदे कि अगर आप जादू टोना से परेशान हैं तब भी इस अंगूठी के जरिए से फायदा उठा सकते हैं। अंगूठी हमारे यहां से जो बनाई जाती है वो इस तरह अंगूठी होती है। ये देखिए प्योर जो है चांदी का होता है, ये अंगूठी प्योर चांदी का है और इसमें नेचुरल हकीक डाला जाता है, ये भी प्योर हकीक होता है। इसके पीछे के साइड में बंद रहता है, ऊपर जो है नग डाले जाते हैं, तो ये खास तौर से तैयार किए जाते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ से इस तरह से लौह भी बनाए जाते हैं, ये कोई मामूली लौह नहीं है, इसको तोहफा नूरी कहा जाता है, जो कि बरेली शरीफ में आला हजरत के यहाँ से बरसों से बनाया जा रहा है और ये बहुत ही खास और अहम तरीके से हमारे यहाँ से तैयार होता है। ये प्योर चांदी का नहीं होता है, इसमें मिक्स चांदी होता है। इसको बाकायदा कंदा करते हैं, यानी हाथों से लिखते हैं। याद रखें, कोई भी ऐसी लौ देख के धोखा मत खाइएगा। बाज़ औक़ात ये मशीन से बनी होती है, जब आप इस तरह से उंगली फेरेंगे, उंगली फेरने पर अगर उंगलियों पे लगे कि हाँ इसके जो हुरूफ है उभरी हुई है, तो आप समझे कि कंदा किया हुआ है। अगर प्लेन लगे आपको, पॉलिश किया हुआ है, तो वो कोई भी लौ हो वो हकीकत में क्या है, वो मशीन से छपी हुई है। और हमारे यहाँ से इस तरह से ये जामीउल मतलूब का लौह भी तैयार किए जाते हैं और नक्श जामीउल मतलूब जुमला मकासिद के लिए होता है, हर एक मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे आखिर में जो लौह बता रहा हूँ, ये एक ऐसी लौह है जो बाकायदा आपके नाम के जरिए से बनाए जाते हैं। नाजरीन, जो आपको लौह बताए गए हैं ये तमाम अलवाह और तिलसिमाती अंगूठी हमारे यहाँ से तैयार किए जाते हैं। अगर आप वक्त की किल्लत की वजह से आप खुद नहीं बना सकते हैं, तो आप यहां से भी बनी बनाया आप मिल सकता है। बाकी मैं जो आपको नक्श सजेस्ट करूंगा, आपको नक्श मैं बताऊंगा, वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। इसमें जो नकूश आपको बताए गए हैं, इनमें कोई भी नकूश आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। इसमें सारे नक्श अलग अलग है। पहला जैसे लोहे, इसमें जात है, इसमें और आपके जो है सात सैयारों का यानी सबा सैयार गान का नकुश है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं। शर्फ़ शम्स के जो तिलसिम भी बना के आप अंगूठी में डाल सकते हैं। एक बात आपको बता दें, अगर आप ये नक्श खुद से तैयार करना चाहते हैं, तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका ये है कि 8 अप्रैल 7:50 से देख लीजिएगा आप कि कौन से टाइम पर सात शम्स आ रहा है, उसी हिसाब से उस टाइम पे आप चाहे तो सोने के जो धातु होती है, सोने के धातु के जो पतरा होता है उसमें तैयार कर सकते हैं। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो चांदी के पतरे में बना करके उसमें सोने की पॉलिश करवा सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो तांबे के पतरे में तैयार कर सकते हैं। अगर आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो आप बिल्कुल कागज़ में, जैसे अगर हो सके तो गोल्डन कलर का सुनहरी कागज़ जो होता है, उसमें आप ये नक्श तैयार करके गले में या बाजू में आपको पहनना होगा। याद रखें, इसको पहनने का जो तरीका होता है, एतवार के दिन सुबह के टाइम पे जब सूरज निकलता है, आप ऐसी जगह खड़े हो जाए जहां से सूरज तुलू होते हुए यानी निकलते हुए दिखे, उस वक्त जो है ये नकुश पहन सकते हैं। ये सारे नकुश जो आपको बताए गए हैं, अगर आप खुद से तैयार नहीं कर सकते हैं, तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ से बाकायदा बहुत ही अच्छी तरीके से अमलियात के तमाम शराइत को मद्देनज़र रख करके, अगर आपको सोने के पतरे में या चांदी के पतरे में या तांबे के पतरे में या अंगूठी में बनवाने हैं, तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपके लिए बना करके आपके एड्रेस में प्राइवेट कुरियर के ज़रिए से भेजा जा सकता है। अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9002374900 वाला नंबर पे, या फिर 7478222245 वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं, तो आप कंट्री कोड +91 ज़रूर आप लगाएं। कॉल भी कर सकते हैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे, या आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमें बता सकते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ाजल आपका ऑर्डर नोट किया जाएगा। एक बात याद रखें, मैंने जो आपको शर्फ़ शम्स का तरीका बताया है, शर्फ़ शम्स का जो मैंने डेट बताए हैं, ये यूनानियों के हिसाब से है और अक्सर आमिलीन यूनानियों का हिसाब को फॉलो करते हैं। अगर आप वैदिक हिसाब लेंगे, हुक्मा हिंद का हिसाब लेंगे, तो वो अलग डेट आएगा, उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आप इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला है, इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त, अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।